जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय। हमारे साथ अरविंद सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने कहा पूरे देश को हाईजैक करके रखना भाजपा की इच्छा है, इस पर आप क्या कहिए? देखिए, आपकी पार्टी आपसे संभल नहीं रही है। आपके पार्टी से आपके विधायकों का, आपके कार्यकर्ताओं का विश्वास टूट रहा है, तो उसमें भाजपा कहाँ से आता है भाई? महाराष्ट्र में जो घटना घट रही है उसमें बीजेपी कहाँ है? शिवसेना के आपस में गठबंधन था कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी से, तो उनके विधायक कह रहे हैं कि ज़्यादा जो गठबंधन के दल पर ध्यान दे रहे हैं, पार्टी के विधायक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ तक कि कोई महिला विधायक है, वो बीमार हैं, उनका इलाज के लिए कोई पार्टी का संज्ञान नहीं है, तो उसमें बीजेपी कहाँ से आता है? उनके विधायक वहाँ उनको नहीं आते हैं, वो अलग, पूरे के पूरे कुनबा, पूरे के पूरे विधायक अगर अलग दल बना ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही अलग शिवसेना है, उसमें बीजेपी कहाँ है? बीजेपी कोई नेता का बयान सुने हैं क्या? बीजेपी कभी कुछ उसमें कर रहा है? तो जैसे तेजस्वी जी अपने दल में ही परिवार से बाहर पार्टी को नहीं निकलने दे रहे हैं और कल उन्हीं के दल में लोग अलग दल बनना चालू कर दे, तो उसमें बीजेपी का क्या दोष है भाई? आपको राज्यसभा पार्टी से, घर से, परिवार से, नेता प्रतिपक्ष का पद भी परिवार से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार से, तो सब आपके परिवारे में चाहिए और जो है वो केयर टेकर है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिसमें भी स्वाभिमान होगा, उसका स्वाभिमान जगेगा तो वो अपना विरोध जाहिर करेगा। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो जब जुर्म होगा वहाँ पर तो संघर्ष होगा ही। तो उसी स्थिति में महाराष्ट्र है, उसमें बीजेपी कहाँ है? मान लीजिए कि बीजेपी के नेता, नीति, नियत और बीजेपी पर लोग विश्वास कर रहा है, उसके इतिहास पर विश्वास कर रहा है, तो उसमें हमको फक्र है, हमको स्वाभिमान है, अभिमान है, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, नीति, नियत सबको और विकास के जो कार्य हैं उसको सब लोग पसंद कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और ये जो नियम है हमारा, उसमें सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, ये सभी लोग को अच्छा लगेगा। जिसके पार्टी के नेता पर लोग विश्वास करता है, पार्टी के नियत पर विश्वास करता है, पार्टी के संविधान चरित्र पर विश्वास करता है, और कुछ लोगों का सत्ता ही सिर्फ चरित्र है, सत्ता राज भोगने के लिए बैठ जाते हैं, हम जनता के सेवा के लिए बैठे हैं। तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि सभी जगह अन्य राज्यों में जितने भी भारत देश के राज्य हैं, जितने भी जिला हैं, सभी जगह बीजेपी चाहती है कि मेरा ही पार्टी का ऑफिस खुले, मेरा ही रुतबा हो, इस तरीका से हाईजैक करना चाहते। आप एक बात बताइए, हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं तो आप नहीं पसंद करिएगा बुलेट ट्रेन पर चढ़ने के लिए? हम जो है हर जगह जो है विकास कर रहे हैं, फ्लाई ओवर रोज बन रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप खुद सोचिए कि पहले राजद का नाम था रेल घोटाला दल, जब इनके पिताजी का शासन था, जिसमें आज भी उसके सारे कर्मचारी का जमीन क्षेत्र ले लिखवा लिए। अब तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए तो इनका नाम हो गया रेल जलाओ दल, पूरे राष्ट्र की संपत्ति को जला दिए। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।